नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सियाराम और आप देख रहे हैं टेक्निक बाज चैनल को। दोस्तों, आज तीन तरह के जियो के तरफ से पोस्टपेड प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसके डिटेल्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन से प्लान हैं थोड़ा सा हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, फिर हम चलेंगे विस्तार से एक एक करके तीनों प्लान के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, ये तीन प्लान है, 249 रुपये का एक है, एक 299 रुपये का है और एक 349 रुपये का प्लान जियो के तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि आपको वर्क करेगा पोस्टपेड प्लान के रूप में। दोस्तों, इसमें कोई भी आपको वॉइस कॉल और एसएमएस करने की सुविधा नहीं दी जाती है। इसका बेनिफिट ये है कि इस प्लान में से कोई भी प्लान यदि आप खरीदते हैं तो आपके साथ जो जियो का वाईफाई डिवाइस है उसे आप फ्री में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि जब आपका जो प्लान है ख़त्म हो जाएगा तो उस डिवाइस को आपको जियो को लौटाना होगा। चलिए दोस्तों, विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सभी टेलीकॉम कंपनियां इंडिया में जो भी वर्क कर रही है, सभी अपने अपने यूजर को लुभाने के लिए नए नए प्लान, नए नए स्कीम, नए नए ऑफर लेकर आती रहती है, जो कि जियो सबसे ऊपर है। जियो बार बार अपने यूजर को जोड़े रखने के लिए, यूजर बेस बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्लान लॉन्च करते रहता है। और उसी सेगमेंट में आज दोस्तों जियो के तरफ से तीन नए प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि आपको 249 रुपये और 299 रुपये और 349 रुपये प्लान को पेश किया गया है, जो कि आपको पोस्टपेड प्लान है। इसमें कोई भी आपको वॉइस कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलती है, एसएमएस करने की सुविधा नहीं मिलती है और इस प्लान में केवल इंटरनेट ही चला सकते हैं। तीनों प्लान में अलग अलग जीबी इंटरनेट आपको मिलता है, यानी कि जो फर्स्ट बेस प्राइस है 249 वाला, उसमें आपको 30 जीबी नेट मिलता है। बात करें 299 रुपये वाले प्लान की, तो इसमें आपको 40 जीबी नेट मिलता है और यदि बात करें 349 वाले प्लान की, तो इसमें आपको 50 जीबी नेट मिलता है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि इसमें कोई भी कॉलिंग करने की और एसएमएस करने की सुविधा नहीं दी जाती है। दोस्तों, जियो के तरफ से ये कहा गया है कि ये प्लान खासकर जियो फाई डिवाइस के लिए बनाया गया है और उन्हीं में वर्क करेगा। एक साथ 10 लोग इंटरनेट सर्फिंग का मज़ा ले सकते हैं, 10 लोग एक साथ इंटरनेट चला सकते हैं। दोस्तों, इसका बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे जियो की तरफ से बताया गया है और इसके साथ ही इसमें 2300 mAh की बैटरी लगी हुई है। तो यही थी दोस्तों पूरी जानकारी। जियो के वेबसाइट पर ये सभी प्लान लिस्टेड हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं या बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों प्लान में से कोई भी यदि प्लान आप खरीदते हैं तो आपको शर्त के अनुसार जियो फाई जो डिवाइस है फ्री में दिया जाता है। शर्त ये रहेगी कि आप जब यूज कर लें नेट तो आप जियो को वापस उस डिवाइस को लौटा दें। तो दोस्तों, यही थी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो हो, जब भी जानकारी आपके पास पहुंचे तो आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। जय हिंद, वंदे मातरम।